आज हम लोग एलेंस की नोट्स से एसिटिक एसिड मेडिसिन पढ़ेंगे। यानी कोई ऐसा पेशेंट जो डायबिटिक हो और उसको फीवर भी हुआ हो, तब ये क्लियरली समझ में आएगा कि उसको डायबिटीज के समय तो थर्स्ट था, लेकिन जब फीवर हुआ तो थर्स्टलेस हो गया। इसी तरह से डॉप्सी के केस में भी, ठीक है, या फिर क्रॉनिक डायरिया केस में, तो एक चीज़ कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी दोनों एक साथ मिलेगी, अल्टरनेट करके मिलेगी, तभी आप इसको डायग्नोस करके प्रेस्क्राइब कर पाएंगे। लैक्टिक एसिड में भी यही सिम्टम कवर होते हैं। डैश करके सलाइवेशन एग्रेवेशन एट नाइट मर्क्यूरियस लिखा है, यानी अगर सिर्फ नाइट में हो तो वो सिर्फ मर्क्यूरियस मेडिसिन में होगा, लेकिन यहाँ डे एंड नाइट दोनों बताया गया है तो ये एसिटिक एसिड में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक एक वर्ड से पूरा की नोट चेंज हो जाता है, करेक्टरिस्टिक जिसे बोलते हैं वो चेंज हो जाता है, तो उससे दो मेडिसिन में डिफरेंशिएशन हो जाता है। यही फर्क है ब्रैकेट की मेडिसिन को पढ़ने और समझने का। लेकिन जब आप जहाँ पे सिम्टम नहीं लिखे हैं ब्रैकेट की मेडिसिन में, उसमें भी डेप्थ में जब जाके आप स्टडी करेंगे तो वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर डिफरेंस नहीं होता तो लिखा नहीं जाता, लेकिन सिमिलरिटी चूंकि ज़्यादा रहता है दो मेडिसिन के बीच या दो सिम्टम के बीच, इसलिए उसको मेंशन किया जाता है। लेकिन सिमिलरिटी से ज़्यादा अगर डिससिमिलरिटी हो सिम्टम में, तो सिम्टम के साथ उसको मेंशन किया जाता है। ऐसे ही एलेंस की नोट में लिखा गया है, इसी पैटर्न को फॉलो करके। तो ये पूरी एक कंप्लीट पिक्चर बनी, तब जाके आपकी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई। इसीलिए देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी ये बोला था और अपने वेबिनार में भी बताया था कि हमेशा ओरिजिनल फॉर्मेट की ही बुक एलेंस की नोट पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक पैराग्राफ पूरी एक पिक्चर बताता है, पूरी डायग्नोसिस भी उसी में रहती है और साथ ही साथ पूरे मेडिसिन का जो PQRS होता है वो भी उसी में रहता है। लेकिन क्या है कि जो रीअरेंज किताबें आती हैं हेडिंग वाइज, उनमें वो सारे पैराग्राफ्स को तोड़ के इधर उधर कर दिया जाता है या फिर उसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया जाता है। और दूसरी चीज़ जो बोला जाता है कि होम्योपैथी में डायग्नोसिस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आपने यहाँ पे देखा इस मेडिसिन में डायग्नोसिस मेंशन की गई है कई जगह पे, और सिर्फ इसी मेडिसिन में नहीं, हर मेडिसिन में डायग्नोसिस मेंशनड है, चाहे ब्रोटेनम रही हो, मेरेस्मस और दूसरे वहाँ पे डायग्नोसिस मेंशनड थे, चाहे यहाँ पे आप देख लीजिए डिप्थेरिया मेरेस्मस और दूसरे डायग्नोसिस यहाँ मेंशनड हैं, टाइफस टाइफाइड डायबिटीज़ वगैरह। तो ये गलत पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में और गलत सिखाया भी जाता है, और ना सिर्फ ये गलत बताया जाता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइन ऑफ मेडिसिन भी गलत बताई जाती है, क्योंकि मैटेरिया मेडिका को यूज करना इजी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी ऑर्गेनाइन पे अच्छी कमांड होगी। सिर्फ मटेरिया पढ़ के रिपर्टराइजेशन सीख के आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिशनर बन जाएंगे ठीक ठाक, लेकिन अच्छे नहीं बन पाएंगे। फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में ये फ़र्क है कि जो ऑर्गेनाइन ऑफ मेडिसिन है उसमें प्रैक्टिस की सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो हम फेस करते हैं प्रैक्टिस के टाइम में, और किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से पोटेंसी डोज सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन या किस तरह के केस में फंसेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइन ऑफ मेडिसिन में लिखी हुई हैं। लेकिन हमारे कॉलेजेस में क्या बताया जाता है, ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, इसको पढ़ के कुछ नहीं होता, जबकि यही सबसे बड़ी गलती होती है और यही सबसे बड़ी वजह है जो होम्योपैथी प्रैक्टिस में लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं 90% से ज़्यादा लोग। तो यहाँ पे आपको ठीक उसी तरह से आपकी हालत है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी दे दी गई, ठीक है, किसी ने सुपरफिशियली थोड़ा सा बता दिया, हाँ ऐसे चलाते हैं, लेकिन आप उतने में ले जाके ठोक देंगे जब तक आपको वेल ट्रेंड कोई सिखाने वाला ना मिले। वो काम करता है ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन। तो दोनों की ट्रेनिंग एक साथ अगर हो तो ही अच्छा होता है, वरना आधा नॉलेज ही मिलेगा आपको और वो आधा नॉलेज आधा ही काम करेगा फिर, क्योंकि एसआईटीएस का केस था और वो टर्मिनल केस था, तो वहाँ पे जब लेटर स्टेज की कंडीशन पेशेंट की थी, डेवलप हुई थी, तो कुछ स्किन उसकी ऐसी ही दिख रही थी, पेल वैक्सी फेस टाइप की, और साथ में उसका थर्स्ट था, तो उस बेसिस पे मैंने
उसके टॉक्सिकल कंडीशन में एसिटिक एसिड चलाई थी 30 पोटेंसी में, जिससे कुछ हद तक उसका जो यूरिनेशन कम हो गया था वो यूरिन आउटपुट बढ़ गया था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन चेंज हो गई थी। एलेंस की नोट से पूरा लेक्चर लाइन बाय लाइन देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ ऊपर में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल के लिंक पे जाएं, वहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आपको एलेंस की नोट मास्टर क्लास H+E यानी हिंदी प्लस इंग्लिश चूज करना है और पे करना है। इसमें सारे साइन और सिम्टम के रूब्रिक हंटिंग भी आपको मिलेगी।